नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 27वें सम्मेलन यानी कि COP27 या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 के दौरान दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति मतलब लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी प्रस्तुत की गई। शर्म अल शेख में संपन्न COP27 में भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन यानी कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए रोड मैप तैयार करते हुए अपनी दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति को प्रस्तुत किया। आखिर क्या उद्देश्य है इस रणनीति का? तो इस रणनीति का उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं या कमिटमेंट को दिखाना या उसको सामने लाना। अब इसे विस्तार से समझने के लिए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है। ये प्रश्न है, पहला प्रश्न कि दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति आखिर होती क्या है। दूसरा प्रश्न कि कार्बन तटस्थता पर भारत की क्या क्या प्रतिबद्धताएं हैं। तीसरा प्रश्न कि भारत के द्वारा आखिर यह रणनीति लाई क्यों गई। चौथा प्रश्न कि क्या यह रणनीति राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जिसे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस या संक्षेप में एनडीसी कहते हैं से यह कितना अलग है। पांचवा प्रश्न कि दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति में किस बाधा की बात की गई है। और अंत में छठा प्रश्न कि भारत जलवायु और विकास को कैसे संतुलित करेगा। आइए अब इन प्रश्नों को एक एक कर हम देखते हैं कि इसके क्या क्या जवाब है। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की कि दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति आखिर होती क्या है। तो यह रणनीति निम्न कार्बन विद्युत और परिवहन प्रणालियों, कम उत्सर्जन वाली इंडस्ट्रियल सिस्टम, कार्बन मिटिगेशन टेक्नोलॉजी, ऊर्जा कुशल शहरी बुनियादी ढांचे, उन्नत वन आवरण और निम्न कार्बन विकास के आर्थिक और वित्तीय पहलुओं पर केंद्रित होती है। चलिए अब हमने ये देख लिया कि पहले प्रश्न का क्या जवाब है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की कि कार्बन तटस्थता पर भारत की क्या क्या प्रतिबद्धताएं हैं। तो 100 पृष्ठ का दस्तावेज जो भारत की कार्बन तटस्थता पर रणनीति को सामने लाता है में यह कहा गया है कि भारत को कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए परमाणु ऊर्जा और हाइड्रोजन का उपयोग काफी महत्वपूर्ण है। भारत की योजना इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अधिकतम करना है, यह सुनिश्चित करना है कि 2025 तक पेट्रोल के साथ मिश्रित इथेनॉल का प्रतिशत जो मौजूदा 10% है से बढ़ाकर 20% की जाए। भारत प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना जिसे संक्षेप हम PAT पैट कहते हैं जिसका फुल फॉर्म है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, इसके द्वारा ऊर्जा दक्षता में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का विस्तार करेगा और विद्युतीकरण में वृद्धि करेगा और मटेरियल इफिशेंसी एंड रीसाइक्लिंग को बढ़ाएगा। आपको बता दें कि PAT स्कीम एक उत्सर्जन व्यापार योजना को संदर्भित करती है जहां एल्यूमिनियम उर्वरक लोहा और इस्पात जैसे उद्योग जो अत्यधिक कार्बन सघन है को दो बातें करनी होती है। पहली कि अपने उत्सर्जन को एक निश्चित सीमा से कम करना होता है और दूसरा उन फर्मों से ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र खरीदना होता है जो कटौती के लक्ष्यों को पार कर चुके हैं। यह योजना 2012 से चल रही है और ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार अब तक इस योजना के द्वारा 60 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित होने से रोका जा सका है। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की कि भारत के द्वारा आखिर यह रणनीति लाई क्यों गई। तो भारत पेरिस समझौते का एक हस्ताक्षर करता है। 2015 के पेरिस समझौते में देशों को एक योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी कि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं की निर्भरता को जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल से स्वच्छ ऊर्जा मतलब ग्रीन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी स्रोतों में कैसे बदलेंगे। पेरिस समझौते के तहत हर एक देश को अपनी राष्ट्रीय परिस्थिति के अनुसार लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज जिसे संक्षेप में LTLEDS को तैयार करना होता है।
इसमें तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने से रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों को शामिल करना और इस सदी के अंत तक इसे 1.5 डिग्री मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रखना और कार्बन न्यूट्रल बनना या शुद्ध शून्य नेट जीरो को प्राप्त करना शामिल है। भारत 2070 तक नेट जीरो के लिए प्रतिबद्ध है। पेरिस समझौते पर 190 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किया है। भारत अब लगभग 60 देशों के समूह में शामिल हो गया है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक रणनीति दस्तावेज प्रस्तुत किया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि यह रणनीति जिसे भारत ने हाल ही में प्रस्तुत किया है वह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जैसा कि हमने पहले ही बात की है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन संक्षेप में एनडीसी से कितना अलग है। तो एनडीसी या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान उत्सर्जन में कटौती करने और जलवायु प्रभावों के अनुकूल होने के लिए एक जलवायु कार्य योजना है। पेरिस समझौते के अंतर्गत समझौते में शामिल हर एक देश को एक एनडीसी स्थापित करने और इसे हर 5 साल में अपडेट करने के प्रावधान है। एनडीसी के अंतर्गत देशों द्वारा उत्सर्जन को तय किए गए पूर्व की किसी निश्चित अवधि के सापेक्ष एक निश्चित मात्रा तक कम करने की स्वैच्छिक प्रतिबद्धता है ताकि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री से अधिक बढ़ने से रोकने के जलवायु समझौते के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार भारत का लेटेस्ट अपडेटेड एनडीसी यह सुनिश्चित करने के लिए कमिटेड या प्रतिबद्ध है कि 2030 तक कुल विद्युत उत्पादन का आधा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त की जाए और 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम किया जाए। एनडीसी लो कार्बन स्ट्रेटजी से इस मामले में अलग है, भिन्न है कि एनडीसी गुणात्मक है और उत्सर्जन को कम करने की पूरी तस्वीर पेश करता है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है कि दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति में किस बाधा की बात की गई है। तो पिछले साल ग्लासगो में COP26 के दौरान भारत और कई अन्य देशों ने नेट जीरो टाइमलाइन की घोषणा की थी। इसी संदर्भ में COP27 को इंप्लीमेंटेशन कॉन्फ्रेंस या कार्यान्वयन सम्मेलन के रूप में पेश किया गया था। वह इस अर्थ में कि देश जलवायु वित्त यानी कि क्लाइमेट फाइनेंस पर रुकावटों को दूर करें। अब अगर हम बात करें क्लाइमेट फाइनेंस या जलवायु वित्त की, तो जलवायु वित्त उस धन की बात करता है जो विकसित देशों ने विकासशील देशों को जीवाश्म ईंधन से अपनी अर्थव्यवस्था को दूर करने में मदद करने और नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध किया था। 2009 में प्रतिवर्ष लगभग $100 बिलियन की प्रतिबद्धता जिसे 2020 तक पूरा किया जाना था में से 1/3 से भी कम की व्यवस्था अभी तक हो पाई है। जो दस्तावेज भारत के द्वारा अभी हाल ही में शर्म अल शेख में प्रस्तुत किए गए, उस दस्तावेज ने विकसित देशों के जलवायु वित्त पर प्रतिबद्धता में मौजूद कमियों का उल्लेख किया है। भारत ने कहा है कि विकासशील देशों के लिए उपलब्ध जलवायु वित्त राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में निर्धारित मिटिगेशन और एडेप्टेशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, मतलब कि शमन या अनुकूलन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह अपर्याप्त है। अब बात अंतिम प्रश्न की कि भारत जलवायु संबंधी कार्यक्रम और विकास को कैसे संतुलित करेगा। तो भारत द्वारा प्रस्तुत रणनीति के अनुसार भारत आर्थिक विकास की गति को बनाए रखते हुए उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। विकास के लक्ष्य को पूरा करने, जनसांख्यिकी लाभांश को समर्थन देने, उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता की निर्भरता को गैर पारंपरिक स्रोतों पर बढ़ाएगा। इस प्रकार भारत विकास एवं जलवायु परिवर्तन के बीच बेहतर संतुलन बनाएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति या लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी पर बात की, उससे संबंधित विभिन्न आयामों पर चर्चा की। इसके साथ ही इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं।
फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।